तो दोस्तों, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। एमसीयू का यह नया शो काफी इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरपूर है, पर कुछ लोगों को इसकी स्टोरी ठीक से नहीं समझी। अगर आप भी इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा, तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ मेन स्टोरी पर ही फोकस करूंगा। तो इस सीरीज की स्टोरी एवेंजर्स एंडगेम के 6 महीने बाद की है। सैम विल्सन यानी फैल्कन एक तरफ अपनी सुपर हीरो वाली ड्यूटी निभा रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी विधवा बहन की मदद कर रहा था। एंडगेम के आखिर में हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स ने सैम को अपनी शील्ड देकर उसे कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब सैम इस शील्ड को उठाने से डर रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका में गोरे और काले का बहुत भेदभाव है। सैम को ये लग रहा था कि उसके ब्लैक होने की वजह से लोग उसे कैप्टन अमेरिका के रूप में स्वीकारेंगे नहीं, इसीलिए उसने वो शील्ड गवर्नमेंट को देकर एक म्यूजियम में रखवा दी। दूसरी तरफ बकी बांस, जो कि पहले हाइड्रा की वजह से एक क्रिमिनल बन गया था, गवर्नमेंट ने अब उसे माफ कर दिया था क्योंकि उसने थैनोस को हराने में मदद की थी, पर उसकी माफी की एक शर्त थी कि उसे कुछ वक्त तक दिमाग के डॉक्टर के पास जाना था। बकी अब एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था, पर उसके अतीत के बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसी दौरान दुनिया में एक नई मुसीबत आ जाती है। फ्लैग स्मैशर्स नाम के एक ग्रुप के लोग सरकार का विरोध कर रहे थे और वो जगह जगह चोरी कर रहे थे। इस ग्रुप की लीडर थी कार्ली मॉर्गन थॉ। कार्ली और उसके साथियों का ये मानना था कि ये दुनिया थैनोस की चुटकी के बाद बेहतर बन गई थी, क्योंकि उन 5 सालों में सभी देशों की सरहदें हट गई थी। दुनिया के सब कमजोर लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे और सबको रोटी कपड़ा मकान मिल गया था। लेकिन जब आधी पॉपुलेशन वापस आ गई, तब फिर से कमजोर लोगों का बुरा हाल हो गया। अमीर देशवासियों ने गरीब विदेशियों को अपने घर से निकाल दिया और वो सब सड़क पे आ गए। माहौल बहुत बिगड़ रहा था, इसीलिए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल यानी GRC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसमें दुनिया भर की सरकारें शामिल थी। GRC ने उन रेफ्यूजीज को अलग अलग कैंप में रखना शुरू किया और वो उन्हें कुछ टाइम बाद अपने अपने देश वापस भेजने वाले थे, पर GRC वाले उनका अच्छी तरह ध्यान नहीं रख रहे थे। उन रेफ्यूजीज को बराबर खाना और दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, और ऊपर से जो लोग अपने देश वापस नहीं जाना चाहते थे, GRC वाले उन्हें जबरदस्ती निकालना चाह रहे थे। इस सब की वजह से ही उन रेफ्यूजीज में से 8 लोगों ने फ्लैग स्मैशर्स नाम का एक ग्रुप बनाया और वो बाकी रेफ्यूजीज की मदद के लिए चोरी करने लगे। वो सरकार से अपनी शर्तें मनवाना चाहते थे। दुनिया के बहुत से लोग फ्लैग स्मैशर्स के इस काम को सही मान रहे थे और वो उनकी मदद कर रहे थे। सैम विल्सन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फ्लैग स्मैशर्स पर नजर रखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी खबर आती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। सैम ने गवर्नमेंट को जो शील्ड म्यूजियम में रखने के लिए दी थी, गवर्नमेंट ने वो शील्ड एक आदमी को देकर उसे कैप्टन अमेरिका बना दिया। ये आदमी था जॉन वॉकर, जो कि US मिलिट्री का एक बहुत बढ़िया सोल्जर था, पर वो उतना अच्छा इंसान नहीं था। वो थोड़ा चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। गवर्नमेंट के इस फैसले से सैम बहुत उदास था, और सैम की शील्ड देने की वजह से बकी उससे बहुत नाराज था। बकी को लग रहा था कि सैम ने जिम्मेदारी से बचने के लिए वो शील्ड गवर्नमेंट को दी है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। फिर सैम उन फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ने के लिए म्यूनिक जाता है, तो बकी भी उसके साथ आता है। वहाँ वो फ्लैग स्मैशर्स एक जगह से बहुत सारी दवाइयाँ चुरा रहे थे। जब सैम और बकी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग इन्हें बुरी तरह मारने लगते हैं, और तब जॉन वॉकर अपने साथी लेमार हॉस्किंस के साथ वहाँ आता है और वो दोनों सैम और बकी की मदद करते हैं। लेकिन वो फ्लैग स्मैशर्स इन चारों को हरा देते हैं और वो भाग जाते हैं। उनसे लड़ने के बाद सैम और बकी को ये समझ में आता है कि फ्लैग स्मैशर्स के वो 8 लोग सुपर सोल्जर थे, इसीलिए वो इतने ताकतवर थे। जॉन वॉकर सैम और बकी को अपनी टीम में शामिल होने बोलता है ताकि वो ये लड़ाई आसानी से जीत जाए, पर क्योंकि जॉन एक सरकारी हीरो था और सैम और बकी प्राइवेट सुपर हीरो, इसीलिए वो उसका साथ नहीं देते। वो दोनों ये जानना चाह रहे थे कि फ्लैग स्मैशर्स को सुपर सोल्जर सीरम कहां से मिला। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बकी सैम को आइजिया ब्रैडली नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है। आइजिया पहले एक अमेरिकन सोल्जर थे, जिन्हें मिलिट्री वालों ने सीरम देकर एक सुपर सोल्जर बनाया था। बकी उनसे ये जानना चाह रहा था कि फ्लैग स्मैशर्स को वो सुपर सोल्जर सीरम कहां से मिला, पर ये बात सुनकर आइजिया बहुत भड़क जाते हैं और वो उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। आइजिया के साथ गवर्नमेंट ने बहुत बुरा सलूक किया था, इसीलिए उनके दिल में बहुत नफरत भर गई थी। आइजिया के पास से सैम और बकी को कुछ पता नहीं चल पाता, इसीलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बकी जीमो की मदद लेने का फैसला करता है। बैरन जीमो, जिसने कुछ साल पहले एवेंजर्स को आपस में लड़वाया था, वो जर्मनी की एक जेल में कैद था। जीमो को हाइड्रा और सुपर सोल्जर सीरम के सभी राज मालूम थे, इसीलिए बकी फ्लैग स्मैशर्स का सच जानने के लिए उससे जेल में मिलने जाता है और वो चालाकी से उसे जेल से बाहर निकाल लेता है। जीमो सुपर सोल्जर्स को इस दुनिया के लिए खतरा मानता था, इसीलिए वो फ्लैग स्मैशर्स को खत्म करने के लिए सैम और बकी की मदद करता है। फिर वो उन दोनों को मैड्रीपुर नाम के एक आइलैंड पर लेकर जाता है, क्योंकि उसे डाउट था कि सुपर सोल्जर सीरम का
उस जगह से कुछ कनेक्शन है। मैड्रीपुर एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ कोई नियम कानून नहीं है और वहाँ पावर ब्रोकर नाम के क्रिमिनल का राज चलता है। पावर ब्रोकर एक ऐसा इंसान था जिसकी असलियत किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी पूरे शहर पे उसी का राज चलता है। जीमो सैम और बकी का रूप बदलकर उन्हें मैड्रीपुर ले जाता है ताकि किसी को उनपे शक न हो कि वो सुपर हीरो है। वहाँ वो सेल्बी नाम के एक क्रिमिनल से मिलते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि फ्लैक्स मैशर्स को वो सुपर सोल्जर सीरम मैड्रीपुर से ही मिला है, जिसे विल्फ्रेड नेगल नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया है। पर इससे पहले कि उन्हें विल्फ्रेड नेगल की इन्फॉर्मेशन मिल पाती, सेल्बी को सैम की असलियत पता चल जाती है और वो उन तीनों को मारने का फैसला करती है। लेकिन तभी कोई अनजान शख्स सेल्बी को गोली मार देता है और सैम, बकी और जीमो को वहाँ से भागना पड़ता है। सेल्बी के आदमी उन तीनों को मारने के पीछे पड़ गए थे, तभी शैरन कार्टर वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। शैरन ने ही सेल्बी को गोली मारी थी। शैरन कार्टर ने कुछ साल पहले कानून तोड़ के कैप्टन अमेरिका की मदद की थी, जिसकी वजह से उस पे देशद्रोही होने का इल्जाम लग गया था। इसलिए जेल से बचने के लिए वो मैड्रीपुर में आ गई थी और अब वो यहाँ पर इल्लीगल काम करके पैसे कमा रही थी और उसकी यहाँ अच्छी खासी पहचान भी थी। सैम शैरन को ये बोलता है कि अगर वो उनकी थोड़ी मदद कर दे तो वो उसे यूएस गवर्नमेंट से माफी दिलवा देगा। शैरन इसके लिए तैयार हो जाती है और वो विल्फ्रेड नेगल की लोकेशन पता लगा लेती है। फिर वो उन तीनों को उसके पास लेकर जाती है। नेगल पावर ब्रोकर के लिए काम करता था। वो उन्हें बताता है कि पहले वो हाइड्रा के साथ था, फिर बाद में यूएस गवर्नमेंट ने उसे काम पे रखा, जहां उसे आइजिया ब्रेडली का ब्लड सैंपल मिला और उसने उस ब्लड से सुपर सोल्जर सीरम बनाना शुरू किया और वो सीरम लगभग बन ही गया था। पर उसका काम खत्म होने से पहले ही वो थेनोस की चुटकी से मारा गया और जब वो 5 साल बाद लौटा तब गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। इसीलिए नेगल मैड्रीपुर चला गया, जहां पावर ब्रोकर ने उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए पैसे दिए और फाइनली वो सीरम तैयार हो गया। ये नया सुपर सोल्जर सीरम बहुत एडवांस था। वो बिना किसी बड़ी मशीन के ही किसी को भी आसानी से सुपर सोल्जर बना सकता था। विल्फ्रेड नेगल ने उस सीरम के 20 डोज बनाए थे, लेकिन इससे पहले कि पावर ब्रोकर उसका इस्तेमाल कर पाता, कार्ली मॉर्गेंथॉ ने वो सीरम चुरा लिया। कार्ली और उसके साथी पहले पावर ब्रोकर के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे धोखा देकर वो सीरम चुरा लिया और वो मैड्रीपुर से भाग गए। फ्लैक्स मैशर्स के 8 लोगों ने उस सीरम का इस्तेमाल किया था और अभी भी 12 डोज कार्ली के पास थे, इसीलिए पावर ब्रोकर उसे ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि पावर ब्रोकर के आदमियों ने फ्लैक्स मैशर्स के एक मेंबर को मार दिया था और अब वो सिर्फ 7 लोग ही बचे थे। नेगल से पूछताछ खत्म होते ही जीमो उसे मार डालता है ताकि वो दोबारा कभी वो सीरम न बना पाए। फिर सैम, बकी और जीमो मैड्रीपुर से निकल जाते हैं। रास्ते में सैम को एक खबर मिलती है कि डोनिया मडानी नाम की एक औरत जिसने कार्ली मॉर्गेंथॉ को पाला था वो मर चुकी है और उसका फ्यूनरल रीगा शहर में है, जहां कार्ली जाने वाली थी। इसलिए सैम, बकी और जीमो रीगा शहर के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ जॉन और उसके साथी को ये पता चलता है कि जीमो जेल से भाग गया है और उन्हें ये शक था कि जीमो को सैम और बकी ने भगाया है, इसलिए जॉन उन दोनों को ढूंढना शुरू करता है। उधर जब सैम, बकी और जीमो रीगा पहुंचते हैं तो वकांडा की डोरा मिलाजे सीना जीमो की तलाश में वहां आ जाती है। जीमो ने वकांडा के राजा टचाका को मारा था, इसीलिए वकांडा वाले ये चाहते थे कि उसे उसकी सजा मिले। पर अब जीमो खुला घूम रहा था, इसलिए वकांडा वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहाँ आ गए। डोरा मिलाजी की आयो बकी को ये बोलती है कि जीमो को उनके हवाले कर दो, पर सैम और बकी को अब भी जीमो की जरूरत थी, इसीलिए वो आयो से थोड़ी मोहलत मांगता है। फिर आयो बकी को 8 घंटे का वक्त देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीमो, बकी और सैम डोनिया मडानी के फ्यूनरल में जाने लगते हैं और तब वहाँ जॉन और लेमार भी पहुँच जाते हैं। जॉन यहाँ जीमो को अरेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन जब उसे कार्ली के बारे में पता चलता है तो वो भी उनके साथ फ्यूनरल में जाता है। वहाँ पर सैम कार्ली से मिलके उसे समझाने वाला था, लेकिन जॉन उसे पकड़ना चाह रहा था। फिर बाकी सब लोग जॉन को मनाकर कुछ देर बाहर रोकते हैं और सैम कार्ली से अकेले में बात करता है। कार्ली सैम की बातों से कन्विंस होने लगी थी, लेकिन उधर जॉन से सबर नहीं होता और वो वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर कार्ली भड़क जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी जीमो कार्ली पर हमला कर देता है और इस भागदौड़ में कार्ली के पास जो सीरम की बॉटल्स थी वो नीचे गिर जाती है। जीमो उन बॉटल को देखते ही फोड़ना शुरू कर देता है। उसने लगभग सभी बॉटल्स फोड़ दी थी, लेकिन तभी जॉन वहां आकर जीमो को रोक देता है। जॉन को वहां आखिरी सीरम की बॉटल मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप अपने पास रख लेता है। फिर जॉन जीमो को पकड़ने के लिए उसके घर पे जाता है और तभी डोरा मिलाजी भी जीमो को पकड़ने वहां आ जाते हैं, क्योंकि अब 8 घंटे बीत चुके थे। जॉन जब यहां आयो के साथ थोड़ी बदतमीजी करता है तो डोरा मिलाजी के सभी मेंबर्स जॉन और उसके साथी को बहुत मारते हैं। इसी बीच जीमो वहां से भाग जाता है। फिर डोरा मिलाजी भी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन को यह एहसास होता है कि उसकी ताकत बहुत कम है और वो सुपर सोल्जर सीरम लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ फ्लैक्स मैशर्स जॉन वॉकर को मारने का प्लान बनाते हैं। वो लोग चालाकी से जॉन और लेमार को एक अड्डे पर बुलवाते हैं और एक दूसरी जगह पर कार्ली सैम से अकेले में मिलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सैम एक अच्छा इंसान है और वो उसे बात करना चाह रही थी। लेकिन इसी दौरान सैम को ये पता चलता है कि फ्लैक्स मैशर्स ने जॉन को मारने के लिए एक जाल बिछाया है, इसलिए वो बकी के साथ वहाँ जाता है। फिर वहाँ एक लड़ाई शुरू होती है
जॉन वॉकर अब एक सुपर सोल्जर बन गया था, इसीलिए उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। फिर लड़ाई के दौरान कार्ली जॉन को मारने की कोशिश करती है, पर लेमार उसे बचाने बीच में आता है तो वो कार्ली के हाथों मारा जाता है। फिर कार्ली और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। लेमार की मौत से जॉन बहुत गुस्सा होता है और वो फ्लैग स्मैशर्स का पीछा करता है और वो उनके एक मेंबर को पकड़ भी लेता है, पर वो उसे अरेस्ट करने की बजाय उसे सरेआम बेरहमी से मार डालता है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर अब खून लग चुका था, जो कि बहुत बुरी बात थी। वहां मौजूद सभी लोग जॉन की इस हरकत को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है। फिर जॉन वहां से निकल के एक खाली फैक्ट्री में जाता है। उसे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था, पर वो सुपर सोल्जर सीरम उसके सर पे चढ़ गया था, इसीलिए उसने मान लिया कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर वहां सैम और बकी आते हैं और वो जॉन को समझाने की कोशिश करते हैं। सैम को इसका बहुत अफसोस हो रहा था कि उस शील्ड पर किसी का खून लग चुका है, इसीलिए वो जॉन को बोलता है कि वो शील्ड उसे दे दे, पर जॉन इसके लिए राजी नहीं होता और वो उन दोनों से लड़ना शुरू करता है। सैम और बकी किसी भी तरह से वो शील्ड हासिल करना चाह रहे थे और जॉन उन्हें मारने पर तुल गया था। फिर जॉन सैम का सूट तोड़ देता है और फिर सैम और बकी को शील्ड वापस लेने के लिए जॉन का एक हाथ तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो शील्ड लेकर वहां से चले जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट जॉन वॉकर की उस हरकत से बहुत नाराज होती है और उसे कैप्टन अमेरिका का टाइटल वापस ले लिया जाता है और उसे बिना किसी सम्मान के मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ बकी सोकोविया जाकर जीमो से मिलता है और वो उसे डोरा मिलाजे के हवाले कर देता है। जीमो को अब राफ्ट नाम की एक अंडरवाटर जेल में कैद कर दिया जाता है। जीमो को पकड़वाने के बदले में बकी वकांडा वालों से एक हेल्प मांगता है। वो उनसे सैम के लिए एक नया सूट बनवाता है क्योंकि उसका पुराना सूट टूट गया था। उधर सैम को अब शील्ड वापस मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज था कि उसे कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो आइजिया ब्रेडली से मिलने जाता है और वो उनसे पूछता है कि उनके साथ क्या गलत हुआ था। आइजिया उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले उन्होंने कानून के खिलाफ जाकर अपने साथियों को दुश्मन की कैद से छुड़ाया था। इसके बदले में सरकार ने उन्हें 30 साल के लिए जेल में डाल दिया और उनके नाम को हर जगह से मिटा दिया गया। इस जुल्म का कारण ये था कि वो एक ब्लैक इंसान थे, इसीलिए आइजिया सैम को ये बोलते हैं कि इस देश के लोग किसी भी ब्लैक आदमी को कैप्टन अमेरिका नहीं बनने देंगे। फिर सैम अपने घर चला जाता है और वो अपनी बहन की मदद करने लगता है। वो काफी कंफ्यूज था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी वहां बकी आता है और वो सैम को उसका नया सूट देता है। ये नया सूट वाइब्रेनियम से बना था और वो बहुत एडवांस था। बकी कुछ दिन तक सैम के घर पर रुकता है और वो उसे बोलता है कि दुनिया को कैप्टन अमेरिका की जरूरत है और स्टीव का फैसला बिल्कुल सही था, मतलब सैम विल्सन ही कैप्टन अमेरिका बनने के लायक है। इस बात से सैम बहुत खुश होता है और बदले में वो बकी के बुरे सपने दूर करने में उसकी मदद करता है। फिर सैम काफी ट्रेनिंग करता है और वो शील्ड इस्तेमाल करने की बहुत प्रैक्टिस करता है। अब वो पूरी तरह तैयार हो गया था। उधर जॉन वॉकर का टूटा हुआ हाथ सुधर जाता है और अब वो कार्ली से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाह रहा था, इसीलिए वो एक नई शील्ड बनाता है। दूसरी तरफ शैरन कार्टर बैटरॉक नाम के क्रिमिनल को कार्ली पर नजर रखने के लिए भेजती है। बैटरॉक कार्ली की मदद करने का नाटक करता है और वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शैरन को देता है। पर बैटरॉक का इस काम के पीछे एक और मकसद था। वो फैल्कन यानी सैम से बदला लेना चाहता था। कुछ टाइम पहले सैम ने बैटरॉक का एक काम बिगाड़ दिया था, इसीलिए वो सैम को मारने वाला था। फ्लैग स्मैशर सब अपने आखिरी मिशन की तैयारी कर रहे थे। न्यूयॉर्क में जीआरसी की एक वोटिंग होने वाली थी जिसमें ये डिसाइड किया जाने वाला था कि उन रेफ्यूजीज का क्या किया जाए, पर कार्ली और उसके साथियों को ये यकीन था कि जीआरसी का फैसला गलत ही होगा, इसीलिए फ्लैग स्मैशर्स उस वोटिंग को रुकवाने के लिए जीआरसी की बिल्डिंग पर कब्जा कर लेते हैं। उन्हें रोकने के लिए सैम अपना नया सूट पहनकर वहां पहुंचता है। अब वो कैप्टन अमेरिका बन चुका था। बकी भी वहां पर आता है और शैरन कार्टर भी वहां पहुंच जाती है उनकी मदद करने के लिए। फ्लैग स्मैशर्स जीआरसी के सभी मेंबर्स को किडनैप करने वाले थे। वो उनकी जान के बदले सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे। सैम जब जीआरसी वालों को बचाने की कोशिश करता है तो बैटरॉक उसका रास्ता रोक लेता है। उधर जब बकी उस बिल्डिंग में आता है तो कार्ली उसे कॉल करके बातों में लगा देती है। सैम और बकी के बिजी होने की वजह से फ्लैग स्मैशर्स को वक्त मिल जाता है और वो पुलिस का भेस बनाकर जीआरसी वालों को किडनैप कर लेते हैं। उन लोगों को दो ट्रक और एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकाला जाता है। फिर सैम बैटरॉक से अपना पीछा छुड़ाकर उस हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है और बकी उन दो ट्रक को बचाने जाता है। इतने में ही शैरन फ्लैग स्मैशर्स के एक मेंबर को मर्क्यूरी वेपर बॉम्ब से मार देती है। अब फ्लैग स्मैशर के सिर्फ 5 ही लोग बचे रह गए थे। कार्ली को लग रहा था कि उसका मिशन फेल हो रहा है, इसीलिए वो गुस्से में जीआरसी वालों को मारने का फैसला कर लेती है। उधर सैम हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों को बचा लेता है और इधर बकी एक ट्रक में से लोगों को बाहर निकाल लेता है, पर जब वो दूसरे ट्रक को बचाने जाता है तो फ्लैग स्मैशर्स उसे वहां से बहुत दूर कर देते हैं। इतने में ही जॉन वॉकर वहां आ जाता है और वो कार्ली और उसके साथियों को मारना शुरू करता है, पर कार्ली मौका देख के उस ट्रक को ऊंचाई से नीचे फेंक देती है और तब जॉन का ईमान जाग जाता है और वो अपना बदला छोड़कर जीआरसी वालों को बचाने जाता है। लेकिन फ्लैग स्मैशर उसे ऐसा करने नहीं देते और वो ट्रक नीचे गिरने लगता है। तभी सैम वहां आकर अपने नए सूट की मदद से उस ट्रक के लोगों को बचा लेता है।
इसके बाद वो काली को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी बेडरॉक वहां आकर काली को वहां से भागने में मदद करता है। फिर फ्लैग स्मैशर्स उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग में छुप जाते हैं और सैम, बकी और जॉन उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर शैरन वहां आकर काली से मिलती है और तब हमें पता चलता है कि शैरन कार्टर ही पावर ब्रोकर है। काली और उसके साथी पहले मैड्रीपुर में शैरन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसका सुपर सोल्जर सीरम चुरा लिया, इसीलिए तब से शैरन उन्हें मारने के लिए ढूंढ रही थी। काली और शैरन की बातों से यहाँ बैटरो को पता चल जाता है कि शैरन ही असली पावर ब्रोकर है, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है और तब शैरन बैटरो को मार डालती है। इसी बीच सैम वहां आ जाता है और वो काली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काली उसे लड़ने लगती है पर सैम उस पर हमला नहीं करता। फिर काली सैम को जान से मारने की कोशिश करती है पर तभी शैरन उस पर कई सारी गोलियां चला देती है जिससे काली मर जाती है। दूसरी तरफ बकी और जॉन बाकी फ्लैग स्मैशर्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर सैम काली की डेड बॉडी लेकर बाहर आता है और वो यूएस के सेनेटर और जीआरसी के मेंबर्स को समझाता है कि उन्हें उन रेफ्यूजीज को जबरदस्ती भगाने की बजाय उनकी मदद करना चाहिए। जीआरसी वाले इसके लिए राजी हो जाते हैं और सब लोग सैम को एक नए कैप्टन अमेरिका के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब पुलिस उन बचे हुए फ्लैग स्मैशर्स को वहां से ले जा रही थी तब जीमो का एक आदमी उन फ्लैग स्मैशर्स को बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर कुछ टाइम बाद वैलेंटीना नाम की एक औरत जॉन वॉकर से मिलती है। वैलेंटीना किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। उसे मालूम था कि जॉन एक सुपर सोल्जर बन चुका है और वो जॉन के उस कारनामे से बहुत खुश थी, इसीलिए वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है और वो जॉन को एक नया सूट देकर उसका नया नाम रखती है, यूएस एजेंट। दूसरी तरफ बकी उन सब लोगों से माफी मांगता है जिन्हें उसने विंटर सोल्जर के रूप में नुकसान पहुंचाया था और सैम आइजिया ब्रेडली से मिलता है और वो उन्हें उस म्यूजियम में लेकर जाता है जहां पर कैप्टन अमेरिका का मेमोरियल था। सैम उसी म्यूजियम में आइजिया का भी एक मेमोरियल बनवाता है जिससे आइजिया को वो इज्जत मिल ही जाती है जिसके वो हकदार थे। फिर सैम अपनी फैमिली और बकी के साथ जोरदार सेलिब्रेशन करता है। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में शैरन कार्टर को सैम की सिफारिश की वजह से गवर्नमेंट से माफी मिल जाती है और उसे वापस CIA में नौकरी भी मिल जाती है। सैम ये नहीं जानता था कि शैरन ही पावर ब्रोकर है, इसीलिए उसने अपना वादा पूरा करके शैरन को माफ करवा दिया। पर शैरन अभी सुधरी नहीं थी, अब वो US गवर्नमेंट के सीक्रेट्स बुरे लोगों को बेचने की तैयारी कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.